प्रणाम जी सुंदर सर जी, एक जरा इन जिमी का, जोत ना माए आसमान, जोत जवेरो पहाड़ों की, इत कहा कही जुबा। रंग भेल के दक्षिण की ओर, होश कोसर ताल, चुभे सांस महौल, आगे जवेरों की नहरें पार करती हैं, तो माणिक पहाड़ की सुंदर अद्भुत शोभा। भूम और ऊंचे चबूतरे पर चढ़कर जाती हैं, मंदिर दीवार पार करती हैं, तो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारी। यहाँ पर एक एक कण में इतनी ज्योति है कि वह आकाश में नहीं समा पा रही। तो ऐसी स्थिति में 12,000 की 12,000 जवाहरातों के पहाड़ों की अनंत ज्योति, उनका कैसे वर्णन हो। आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से ये संभव है, उनकी मेहर से माणिक पहाड़ की इन अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी तक जो वीडियो बने हैं माणिक पहाड़ के, उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं, 248 पैराग्राफ, एक हवेली के चबूतरे। एक हवेली में तीन चबूतरे आए हैं, एक 12,000 कोठियों के बीच, दूसरा 12,000 मंदिरों के बीच, तीसरा 12,000 मोहल्लों के बीच हवेलियों का आया है। 300 कोस की लंबी चौड़ी विस्तार लिए एक हवेली। इन एक हवेली में एंटर करते हैं तो घेर कर 12,000 मोहलाते। थमकियार, बगीचे और ठीक मध्य में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा। चबूतरे के किनार पर थम उनकी मेहराबों में हिंडोले। चबूतरे के तीसरे हिस्से में बेशुमार बाग बगीचे, नहरी चवच्ची घेर कर सुंदर बैठक। एक चबूतरा तो ये हुआ मोहल्लों के बीच में। अब इन एक मोहल्ले के अंदर जाते हैं तो घेर कर पुनः ऐसी शोभा। मोहल्ले के भीतर जाते ही चारों तरफ घेर कर मंदिर मिलेंगे। आगे एक थम की हार मिलेगी, बगीचे और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। तो दूसरा चबूतरा मंदिरों के मध्य में हुआ। अब इन 12,000 मंदिरों में से एक मंदिर के भीतर जाते हैं तो घेर कर 12,000 कोठरियां और ठीक मध्य में इसी तरह से कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा आती है। तो इस तरह से एक हवेली के अंदर तीन तरह के चबूतरे हैं, एक मोहल्लों के बीच में, दूसरा मंदिरों के बीच में, तीसरा कोठरियों के बीच में। सदगुरु महर्षि जी आगे वर्णन कर रहे हैं, मंदिरों के अक्षी मेहराबों के विस्तार तक कोठरियों का विस्तार आया है। मंदिर में घेर कर जो बाहरी दीवार आई है, उनमें जो अक्षी मेहराब आई है, वहां तक कोठरी का विस्तार आया है। इसी तरह से मोहल्लों के अक्षी मेहराबों के विस्तार तक मंदिरों का विस्तार आया है, हवेलियों के अक्षी मेहराबों तक मोहल्लों का विस्तार आया है, और हवेली की छत की हद माणिक पहाड़ की प्रथम भूमि तक आई है। हवेली की जो छत है वो माणिक पहाड़ की प्रथम भूमि हुई। 100 कोस तक कोठरियों का विस्तार आया है, कोठरियों के ऊपर 100 कोस तक मंदिरों का विस्तार आया है, मंदिरों के ऊपर 100 कोस तक मोहल्लों का विस्तार आया है, मोहल्लों के ऊपर 100 कोस तक हवेलियों का विस्तार आया है। ये एक हवेली की एक भूमि का बयान हुआ। 100 कोस तक की ऊंचाई कोठरी की हुई, कोठरी से ऊपर 100 कोस तक अर्थात 200 कोस तक मंदिरों का विस्तार आया है, मंदिरों के ऊपर 100 कोस अर्थात मोहल्लों का विस्तार 300 कोस में आया है, और मोहल्लों के ऊपर 100 कोस हवेलियों का विस्तार 400 कोस में। ये एक हवेली की एक भूमि का वर्णन है। ऐसी ऊपरा ऊपर 12,000 भूमि आई है तब एक हवेली होती है। इस तरह से ये एक हवेली का वर्णन हुआ। ऊपरा ऊपर 12,000 भूमि हुई तो ये एक हवेली का वर्णन हुआ। ऐसी ऐसी 14,40,00,000 हवेलियां आई हैं। इन सब हवेलियों की सब भूमों का विस्तार उसी समान आया है जैसे ऊपर की एक हवेली का बयान देखा। बारह हजार हाँसों में 12,000 हवेली आई है।
एक हवेली के सामने भीती तरफ 12,000 हवेली आई है, जिसमें 6,000 गोल 6,000 चौरस है। 12,000 हाँसों में 12,000 हवेलियां घेर कर आई हैं। और एक हवेली के भीती तरफ देखते हैं तो इन लाइन में कुल 12,000 हवेलियां आई हैं, जिनमें 6,000 चौरस है और 6,000 गोल है। शुरू की हवेली की चौड़ाई 300 कोस की है, 100 कोस में त्रिपोलिया आया है। सो भीती तरफ कम होते होते आखिरी हवेली 100 कोस और त्रिपोलिया 33 कोस का आया है। मुख्य दरवाजे से प्रवेश करते हैं तो जो पहली हवेली है ये 300 कोस की लंबी चौड़ी है और 100 कोस में त्रिपोली आया है। जैसे जैसे भीतर बढ़ते हैं हवेलियों का विस्तार कम होते होते हवेलियों की जब आखिरी हार पर पहुंचते हैं तो यहां पर हवेली 100 कोस की लंबी चौड़ी है और त्रिपोलिया 33 कोस का आया है। पुणे महाराज जी के शब्दों में, शुरू में हवेली की चौड़ाई 300 कोस की आई है, 100 कोस का त्रिपोलिया आया है। सो भीतर तरफ कम होते होते आखिरी हवेली 100 कोस की, त्रिपोलिया 33 कोस का आया है। अब इस हवेली के साथ लगकर आगे भीतर तरफ 100 कोस की दूरी पर एक हार थंबू की आई है। अब ये जो हवेली है जहां हवेलियों के फिरावे संपूर्ण हुए, इन हवेली के आगे 100 कोस की रोंस घेर कर आई है और किनार पर कठेड़ा आया है। आगे 400 कोस में बगीचा आया है। आगे 400 कोस में घेर कर बगीचे की शोभा आई है। अब यहां से माणिक महल की जोगबाई शुरू होगी। अब यहां से आगे शोभा देखेंगे माणिक महल की जोगबाई। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखते हैं हवेलियों के फिरावे जहां संपूर्ण हुए, 100 कोस की रोंस किनार पर थम, आगे 400 कोस में बगीचे की शोभा घेर कर और ये माणिक महल की शोभा, माणिक महल घेर कर आए हुए। इन पैराग्राफ में शोभा देखी, हवेली की ऊंचाई 400 कोस की, मोहल्लों की 300 कोस, मंदिर की 200 कोस, कोठरी की 100 कोस, ये एक भूमि का विस्तार है। ऐसे उपरा उपरा 12,000 भूमि आई है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे आई है। प्रारंभ में जब हवेलियां शुरू होती हैं तो उनका विस्तार 300 कोस का है, 300 कोस की लंबाई चौड़ाई और 100 कोस में त्रिपोलिया। जैसे जैसे भीतर जाती है विस्तार कम होता जाता है। हवेली के आखिरी फिरावे में पहुंचते हैं तो यहाँ हवेली 100 कोस की लंबी चौड़ी रह जाती है और 33 कोस में त्रिपोलिया। इन हवेली के भीतरी तरफ 100 कोस की रोंस आई है, ये रेड रंग में दिखा रखी है, रोंस की किनार पर थंब आए हैं। आगे 400 कोस में बगीचों का विस्तार है, उसके आगे माणिक महल की जोगबाई शुरू होगी। इन शोभा को महाराज शिव जी के वचनों से, एक हवेली के चबूतरे, एक हवेली के तीन चबूतरे आए हैं, एक 12,000 कोठरियों के बीच, दूसरा 12,000 मंदिरों के बीच, तीसरा 12,000 मोहल्लों के बीच हवेलियों का आया है। मंदिरों के आगे अक्षी मेहराबों के विस्तार तक कोठरियों का विस्तार आया है, मोहल्लों के अक्षी मेहराबों का विस्तार तक मंदिरों का विस्तार आया है, हवेलियों के अक्षी मेहराबों तक मोहल्लों का विस्तार आया है, और हवेली की छत की हद तक माणिक पहाड़ की प्रथम भूम तक आई है। 100 कोस तक कोठरियों का विस्तार आया है, कोठरियों के ऊपर 100 कोस तक मंदिरों का विस्तार आया है, मंदिरों के ऊपर 100 कोस तक मोहल्लों का विस्तार आया है, मोहल्लों के ऊपर 100 कोस तक हवेलियों का विस्तार आया है। ये तो एक हवेली की एक भूमि का बयान हुआ। ऐसी ऐसी ऊपरा ऊपर 12,000 भूमें आई हैं, तब एक हवेली हुई, ऐसी हवेली 14,40,00,000 आई हैं। इन सब हवेलियों की सब भूमों का विस्तार उसी समान आया है। जैसे ऊपर की एक हवेली की भूमि का बयान किया जाता है, 12,000 हाँसों में 12,000 हवेली आई है।
एक हवेली के सामने भीती तरफ 12,000 हवेली आई है, जिनमें 6,000 गोल 6,000 चौरस है। शुरू की हवेली की चौड़ाई 300 कोस की आई है, 100 कोस का त्रिपोलिया आया है, सो भीती तरफ कम होते होते आखिरी हवेली 100 कोस त्रिपोलिया 33 कोस का आया है। अब इस हवेली के साथ लगकर आगे भीतर तरफ 100 कोस की दूरी पर एक हार तंबू की आई है। फिर 100 कोस की रोंच छोड़कर आगे एक कमर भर नीचा चबूतरा गोल 12,000 हाँसों का आया है। अब यहाँ से माणिक महल की जोगबाई शुरू होगी। आगे वर्णन है विस्तार माणिक पहाड़ की एक हवेली। ये नेक्स्ट वीडियो में। प्रणाम सुंदर सर।